ओम शांति। आज की बाबा की साकार मधुर मुरली है 3 सितंबर 2022 की। आज बाबा ने समय का ज्ञान देते हुए कहा कि शरीर पर कोई भरोसा नहीं है, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज अभी कर लो। फिर बाबा ने शुभ कार्य की पहचान दिया कि शिव बाबा का परिचय देना इन जैसा शुभ कार्य कोई होता ही नहीं, इसलिए इस कार्य में देरी नहीं करनी चाहिए। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, न जवान पर न बूढ़े पर, नहीं तो आज कल करते करते काल खा जाएगा। और बाबा ने कल भी बाबा को अपना वारिस बनाने के लिए कहा और आज भी बाबा ने कहा कि तुम मुझे वारिस बनाओ तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा करूँगा, तुम्हें 21 जन्मों के लिए मालामाल कर देंगे। इसलिए बाबा बच्चों को पूछते हैं कि आपको कितने बच्चे हैं, फिर कहा यह एक ही शिव बाबा हैं जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद कर देते हैं। फिर बाबा ने स्वमान दिया कि बाप रूहानी सर्जन है, तुम उनके बच्चे कहलाते हो तो तुम भी सर्जन ठहरे, तो जरूर आत्माओं को ज्ञान इंजेक्शन लगाना पड़े। मन मना भाव यह है सबसे बड़े ते बड़ा इंजेक्शन। फिर बाबा ने बहुत आत्माओं का कल्याण करने की विधि बताई कि तुम हॉस्पिटल अथवा कॉलेज खोलते जाओ और बाहर बोर्ड लगा दो 100% पवित्रता सुख शांति का चिकित्सालय। और आज बाबा ने सर्विस पर विशेष अटेंशन दिलाते हुए युक्तियां बताई कि तुम गंगा के घाट पर जाकर भी सर्विस कर सकते हो, मंदिरों में शमशान आदि में भी जाकर सर्विस कर सकते हो, अपनी पीठ पर बाबा के परिचय का चित्र लगा दो तो लोग देखकर आपे ही पढ़ेंगे, बाबा का परिचय देते रहो। फिर कहा अपने पास सर्विस का हिसाब रखो, जितना करेंगे उतना फल पाएंगे, सर्विस नहीं करेंगे तो मिलेगा क्या। ट्रेन में भी यही सर्विस करते रहो तो बाप भी बहुत खुश होगा और भविष्य 21 जन्मों के लिए सदा सुख का वर्षा मिल जाएगा। बाबा कहे सर्विस सर्विस और सर्विस। सुनते हैं महावाक्य विस्तार से। आज बाबा कहे मीठे बच्चे, शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए जो शुभ कार्य करना है वह आज कर लो, कल पर नहीं छोड़ो। आज मुरली से प्रश्न है, अपना खाना आबाद करने अर्थात माला माल होने की युक्ति क्या है। उत्तर में बाबा ने कहा शिव बाबा को अपना वारिस अर्थात बच्चा बना दो तो वह तुम्हें 21 जन्मों के लिए माला माल कर देंगे। यह एक ही शिव बाबा हैं जो सबका बच्चा बन सबका खाना आबाद करते हैं, परंतु कई डरते हैं, समझते हैं शायद कुछ देना पड़ेगा। बाबा कहते हैं डरने की बात नहीं, तुम अपने बच्चों आदि को संभालो, उनकी पालना करो, परंतु याद इस शिव बाबा बच्चे को करो तो तुमको लाल कर देंगे अर्थात माला माल कर देंगे। अगर इस बच्चे पर बलि चढ़े तो तुम्हारी बहुत सेवा करेगा। अभी सारी मुरली से धारणा के लिए सार हैं। पहला, माया ने जो बहुत बड़ी जाल बिछाई है, अब बाप की याद से उस जाल से निकलना है, शुभ कार्य में लग जाना है, किसी देहधारी की जाल में नहीं फंसना है, सबसे ममत्व निकाल देना है। दूसरा पॉइंट है, ज्ञान की जो रोशनी मिली है वह सबको देनी है, देह अभिमान को छोड़ भिन्न भिन्न युक्तियों से सर्विस करनी है, अंधों की लाठी बनना है। आज बाबा ने वरदान दिया, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भाव, अनेक प्रकार के भावों को समाप्त कर आत्मिक भाव को धारण करने वाले सर्व के स्नेही भाव। स्पष्टीकरण है, देह भान में रहने से अनेक प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, कभी कोई अच्छा लगेगा कभी कोई बुरा लगेगा, आत्मा रूप में देखने से रूहानी प्यार पैदा होगा, आत्मिक भाव आत्मिक दृष्टि आत्मिक वृत्ति में रहने से हर एक के संबंध में आते हुए अति न्यारे और प्यारे रहेंगे, तो चलते फिरते अभ्यास करो मैं आत्मा हूँ, इससे अनेक प्रकार के भाव स्वभाव समाप्त हो जाएंगे और सबके स्नेही स्वतः बन जाएंगे। आज का स्लोगन है, जिसके पास उमंग उत्साह के पंख हैं, उसे सफलता सहज प्राप्त होती है।
जिसके पास उमंग उत्साह के पंख है उसे सफलता सहज प्राप्त होती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी मात पिता बाप दादा को भी याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति।